एनीमे मेनली जापानीज में बनता है क्योंकि जापान का है और कुछ अच्छे एनीमे इंग्लिश में भी आ जाता है, लेकिन तुम लोग के ज्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है इंडिया में एनीमे जो हिंदी डब में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि तुम में से कई लोग हिंदी डब में एनीमे देखते हो और इजीली कंफर्टेबल भी हो, इसलिए आज हम लोग लाए हैं टॉप 5 एनीमे जो हिंदी में अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 द डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। इस एनीमे में बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें अपन को एक डार्लिंग दिखाई जाएगी जिसके साथ डार्लिंग रहता है जिसका नाम रहता है हीरो। इसकी कहानी रहती है सेट फ्यूचर में जहाँ पे बड़े बड़े दानव आ चुके हैं धरती पे कब्जा करने और इंसान है वो छोटी छोटी कॉलोनी बना के अंडरग्राउंड रहते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं 13-14 साल के एक लड़का एक लड़की मिलके एक फ्रैंक्स नाम की एक बड़े से रोबोट को चलाते हैं, इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बड़े लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे, और उसी में अपना आता मेन कैरेक्टर हीरो। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है हीरो और अपने हीरोइन 02। अब तुमने एनीमे करियर में 02 के बारे में नहीं सुना तो तुमने क्या सुना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर में से एक है। और क्यों तो तुम एक सीन दिखाता हूँ क्यों इतनी फेमस है। तो फिर अपन चलते नंबर 4 में डेमन स्लेयर। बाकी इसके अंदर टोटल 3 या 4 सीजन अवेलेबल है। वहीं बात करें इसके अंदर के एनिमेशन की तो बहुत अच्छा एनिमेशन दिखाया गया, पर स्टोरी प्लॉट लाइन की बात करें तो अच्छा। बाकी मैं इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इस वजह से मैं ऊपर से बताना ही चाहूंगा। बाकी डेमन स्लेयर में कुछ नहीं होता ज्यादा, अपने मेन कैरेक्टर तांजिरो रहता है, बाकी उसका भी एक गोल बन जाता है शुरुआत में, उसका गोल कुछ नहीं रहता बट एक लास्ट वो उसका भी गोल बन जाता है। डेमन स्लेयर नाम सुन के तुम समझ गए इसके अंदर डेमन मिलेंगे, तो अब वो कैसे फाइट होगी। बाकी एनिमेशन मैंने पहले बता दी खासकर खतरनाक है, तो अब देख लेना आगे फाइट। नंबर 3 माय ड्रेस अप डार्लिंग। अब ये एनीमे बहुत ज्यादा नॉटी नॉटी टाइप का है, तुम समझ सकते हो नॉटी नॉटी टाइप में। इसमें अपन को एक कैरेक्टर दिखाई जाएगी जिसका नाम रहेगा मारिन केतागावा और उसको बनना रहता है एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट और उसके साथ एक जुड़ जाता है गोजो। गोजो हाँ तुम समझ सकते हो गोजो यहाँ भी आ गया, बड़ा हफ्सी है। लेकिन ये गोजो अपना इंट्रोवर्ट है और वो अब कपड़े अच्छे बनाता है, तो उसे आर्टिस्ट मतलब कॉस्प्ले आर्टिस्ट बनना है, तो वो कॉस्प्ले करना चाहती है तो कपड़े बनवाती है गोजो से। गोजो इंट्रोवर्ट है तो तुम समझ सकते हो किसी लड़की को नहीं देखा, तो ऐसी लड़की जब उसके पास आ गई तो उसी के बीच में एक कहानी और बहुत ही मस्त है और नोटी नोटी टाइप में। तो इससे भी एक मस्त सा सीन दिखाता हूँ और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। ये तो हो गया नंबर 2 में चला जाए। वही बात करते हैं जुजुत्सु काइसन। अभी रिसेंटली आया ये एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल मिल जाएगा अब तुम्हें सीजन 1। वही बात करें सीजन 1 तुम्हें ज्यादा खास तो नहीं लगेगा बट तुम मैं कहूंगा देखना क्योंकि इसका एनिमेशन भी अच्छा है ठीक ठाक। वही बात करें प्लॉट लाइन स्टोरी भी ठीक ठाक है, बट इसके जो मूवीज वगैरह हो सीजन 2 है वो हिंदी डब में जैसे अवेलेबल होगा तुम उसको जरूर ट्राई करना, तो क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फाइंग वीडियो उसकी मूवी है और सीजन भी है। बाकी इसके अंदर के तुम्हें थोड़ा सीजन 1 तुम्हें ज्यादा खास पसंद नहीं आएगा, बस ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो ट्राई करना, मेरा सजेशन तो यही था। इसके बाद नंबर 1 सबसे बेस्ट और सबसे नॉस्टैल्जिक, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल की। बाकी ड्रैगन बॉल कई लोग देखते होंगे बट मैं बता दूँ ड्रैगन बॉल जी, ये ड्रैगन बॉल जी की पूरी सीरीज अपन को अवेलेबल है आराम से मिल जाएगी। बाकी इसकी मूवीज भी अपन को मिल जाएगी इजीली हिंदी डब में वो भी, बस इसके अंदर के जो एनिमेशन थोड़े पुराने हैं वही बात करें, बट इसके अंदर जो स्टोरी लाइन प्लॉट लाइन है वो अच्छे एंटरटेनिंग है और एक्शन फाइट वगैरह बहुत अच्छा है, कहीं कहीं तुम्हें इंटेंस और ब्रूटल दिख सकते हैं, बाकी मजा आ जाएगा इस एनिमे में, तो तुम जरूर ट्राई करना, बाकी तुम इसके फैन जरूर बन जाओगे। तो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड है अगर थोड़ा डिवाइडेड करें, बाकी सीजन मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं, बट तुम ट्राई करना अच्छा नाम है। वहीं बात करें अभी ड्रैगन बॉल सुपर का भी ट्रेंड चल रहा है, बाकी ड्रैगन बॉल सुपर अभी हिंदी में पूरा अवेलेबल तो नहीं है बट सीजन 1 डब हो चुका है, बस सीजन 2 अभी अपकमिंग में होगा। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना तो कर दो, कमेंट करना हो तो कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।